मेरा बैग खोला था क्या किसी ने? अच्छा कौन सी दरगाह पर चलना है जियारत के लिए? बुजुर्गाने दिन को तोहफा पेश करना अच्छी बात है। कुछ मदद करो। हाँ दे यार। मेरे मन में भी ऐसे अनगिनत सवाल आते हैं। आज तो हुजूर खानकाह में तशरीफ लाने का इरादा रखते थे। सबों सरासर अदब है। पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया है। बाकिरदार इंसानों की जिंदगी से सबक लो। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? सिर्फ मजारात के गिर चक्कर लगाने और दरगाहों के तवाफ करने से ईमान ताजा नहीं होता। अपना अकीदा अपने तक महदूद रखो। बड़ों को समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं। पानी पियो छान कर और पीर करो जान कर। मगर रहबानियत तो हमारे मजहब में है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार और वो नुक्ता यूनिटी इन अबंडेंस। फकीरों की बातों में क्या रखा है? ये सब जाने दो वरना धोबी का कुत्ता हो जाओगे। ना घर के रहोगे ना घाट के। इस फानी और नश्वर शरीर में एक दूजा तन भी है। अरबाज तुम ऑफिस में ही हो ना? मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। मैं कौन हूँ? इंसान ईश्वर का भेद है। बेटा आते वक्त मेरी दवाई लेते आना। दवाई का नाम तो याद है, ये दुनिया के साथ साथ वो भी भूल गए। पीर बिन मुद्दवा नहीं मिलता, खिजर बिन रास्ता नहीं मिलता। पीर भी इंसान ही तो है, अल्लाह मियां थोड़ी है। सुभान अल्लाह। यानी सदगुरु से ही जान पाओगे। अगर ये दुनिया समझ जाती तो ये दुनिया नहीं रहती।